वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्या तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा कुछ इंडिविजुअल जो है वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं या उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है किन तरीकों से। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के क्या ट्रेट्स होती हैं या क्या गुण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कुछ जो स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और कुछ की जो पॉपुलेशन है वो घट जाती है या वो खत्म हो जाती है। इस क्वेश्चन से हमें ये चीज समझनी है। तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है नेचुरल सिलेक्शन और एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी इसके बारे में बात करेंगे, क्या है नेचुरल सिलेक्शन और क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो किसी भी स्पीसीज की या इंडिविजुअल की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या होते हैं और या पॉपुलेशन घटने के कारण क्या होते हैं। अब हम समझे इन्वायरमेंट में, मान लो सपोज दैट इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जिराफ है। हमने एक कहानी सुनी होगी आप सभी ने कि जिराफ जब रहते थे मैदानी एरिया में, तो जिस मैदानी एरिया में ये जिराफ रहते थे वहां पर बहुत घास होती थी और इन जिराफों की आबादी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने जो है वो घास खा करके खत्म कर ली। अब खत्म कर ली तो इनके सामने एक क्वेश्चन आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई कि अब अगर घास खत्म हो गई है तो इनका सर्वाइवल कैसे होगा। तो सर्वाइवल की जब प्रॉब्लम आई तो इन्होंने बड़े पौधों को खाने का प्रयास करने शुरू किए और इसी प्रयास में देखा गया कि सालों साल जब इस तरह के प्रयास जिराफ करते रहे तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, धीरे 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 इनकी गर्दन लंबी होती गई और ये ऊंचे पेड़ों को भी खाने में सक्षम हो गए। यानी सर्वाइवल के लिए जो इन्होंने प्रयास किए वही इनके लिए एडवांटेज के रूप में क्रिएट हो गए और इस तरह से वो अपनी जो है पॉपुलेशन को सेव कर पाए और फिर उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा पाए। इस चीज को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे आप चिड़ियाओं के केस में भी देख सकते हैं, चिड़ियाओं की जो चोंच है वो अलग अलग प्रकार की हो गई। ऐसा माना जाता है शुरुआत में एक ही प्रकार की होती थी पर जब सर्वाइवल की बात हुई तो चिड़िया की चोंच किसी की छोटी, किसी की आगे से हार्ड, किसी की लंबी हो गई, क्योंकि जो जिनकी चोंच लंबी है वो लकड़ी में अंदर तक छेद कर सकती हैं, जिनकी चोंच छोटी है वो चीजों को अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं, जिनकी चोंच आगे से मजबूत है वो हार्ड चीजों को काट सकते हैं। तो इनकी जो चोंच में, बीक में जो चेंजेस आए ये भी क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा तरीका है कि अगर आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने जो है बॉडी को अडॉप्ट करते हैं या अपने अंदर ऐसे ट्रेट्स को डेवलप कर लेते हैं जिससे आपको सर्वाइवल करने का जो है एडवांटेज हो जाए, यानी आप बच सकते हैं उन कंडीशंस में जो कंडीशंस आपको खत्म कर सकती थी, आपकी पूरी प्रजाति को खत्म कर सकती थी, बट अगर उससे बचने के जो ट्रेट्स हैं वो गुण अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम उस एनवायरमेंट में रह सकते हैं। यानी अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ये है नेचुरल सिलेक्शन, व्हेन दैट ट्रेट ऑफर्स सम सर्वाइवल एडवांटेज। दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि पॉपुलेशन में धीरे 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 जीन्स जो है वो एक पर्टिकुलर जीन्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और कुछ बाकी जो अदर जीन्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस भी या तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं एक तरह की पॉपुलेशन को और कुछ या फिर कम कर सकते हैं। अब अगर सर्वाइवल जीन्स बढ़े हैं तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है। तो व्हेन द सम जीन्स गवर्निंग दैट ट्रेट बिकम कॉमन, यानी वो जीन्स कॉमन हो जाए जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऐसे जीन्स अगर बढ़ते जाएं तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। कुछ जीन्स अगर डोमिनेंट हो जाएंगे तो जीन्स डोमिनेंट होने से उस जीन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी। सम जीन्स गवर्निंग दैट ट्रेट, कोई भी गुण बढ़ता जाएगा वो गुण बढ़ेगा जो उसके जीन्स अगर आगे बढ़ेंगे तो वही गुण बढ़ेगा, जिसके जीन्स आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसके जीन्स नहीं बढ़ेंगे तो वो गुण, वो ट्रेट नहीं बढ़ेगी। तो उसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये बहुत सिंपल सी चीज है। दूसरा नेचुरल सिलेक्शन है, दो तरीके हैं। फिर तीसरा एक तरीका होता है जब कोई ट्रेट जो है, ट्रेट गेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल लाइफ टाइम। कुछ ऐसे ट्रेट्स या ट्रेट मतलब गुण जो हम सीखते हैं अपने जीवन काल के दौरान, जो जरूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए कह लो या हमारे काम को, कुछ भी काम करने के लिए, और धीरे धीरे क्या होता है वो ट्रेट्स इतने डेवलप हो जाते हैं कि वो अगली पीढ़ियों में भी जाने लगते हैं। ठीक है, जबकि वो क्या किए थे, एक्वायर किए थे। कुछ ऐसे होते हैं एक्वायर ट्रेट जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, कुछ एक्वायर ट्रेट ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब जैसे आपने कार चलाना सीखा तो ये एक्वायर ट्रेट है, आपका गुण है, बट ये नेक्स्ट जनरेशन को ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा। बट कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो आपने एक्वायर किए पर उनका असर अगली पीढ़ी पर भी देखने को मिलता है। तो ट्रेट्स एक्वायर भी होते हैं, ट्रेट्स में एनवायरमेंट का भी रोल होता है, ट्रेट में जेनेटिक ड्रिफ्ट भी देखा जाता है, और यही तीनों चीजें पॉपुलेशन को भी इफेक्ट करती हैं। इनके कारण अच्छे अगर ट्रेट्स आते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है, और अगर ट्रेट्स नहीं आते हैं या एनवायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट नहीं होता है तो पॉपुलेशन
घटती है। ये चीज क्लियर है यहां तक? तो इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है?